जबलपुर के हनुमानताल थाने में जहां सूदखोर की प्रताड़ना के चलते एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उसका इलाज जिला अस्पताल विक्टोरिया में जारी था, लेकिन युवक ने इलाज के दौरान सोमवार को दम तोड़ दिया, जिसके बाद एक बार फिर गढ़ा में सूदखोर की प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि गढ़ा में सूदखोरी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां सूदखोर ने 15,26,000 रुपए की राशि वसूल करने के लिए युवती को उठा लेने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, युवती की शादी पक्की होने के बाद वर पक्ष को भी सूदखोर धमकियां दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। जानकारी अनुसार पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय युवती निवासी प्रेमनगर आदित्य विहार ने बताया कि हमारी इंगल जंक्शन नाम से गंजीपुरा में दुकान है, उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है। उसके स्वर्गीय पिता से ब्याज पर पैसा देने का लेन देन होना कहकर उसे नवीन धारणी ने डराया धमकाया, अश्लील शब्दों का प्रयोग कर उसे उठा लेने एवं जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण उसने एवं उसके भाई भावुक ने 5,50,000 रुपए नवीन धारणी के घर पर दिए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे कुछ डायरियां भी मिली है जिसमें नवीन के हस्ताक्षर है। नवीन धारणी ने उसके माता पिता को डरा धमका कर 15,26,000 रुपए की राशि वसूल की है, जो डायरियों से प्रमाणित हो रहा है। नवीन धारणी ने लगभग 20,76,000 ले लिए है। वही अनिल नागवानी, जो नवीन धारणी का कर्मचारी है, उसके भाई को उस समय डरा धमका कर 1,50,000 रुपए मांग रहा था, जब मां बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थी। अनिल नागवानी ने उसके भाई को धमकी दी, डराया धमकाया और भाई से कोरे चेक ले लिए। सूदखोर रोज रोज घर के सामने आकर गाली गलौज कर परेशान कर रही है, वही वहां भी पहुंच रहा है जिस घर में उसकी शादी लगी हुई है, जिसके चलते उसकी शादी टूट सकती है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि सूदखोर से वह और उसका भाई प्रताड़ित है। पीबीसी के लिए जबलपुर से ब्यूरो सुनील सेन की रिपोर्ट। प्रेमनगर निवासी श्री अमन वानी 27 वर्षीय लड़की द्वारा, जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है, उनके माता पिता के संबंध में उधारी के पैसा होना कहकर 3 व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया को परेशान किया जाता था कि तुम्हारे माता पिता ने हमसे पैसा कर्ज लिया था और वो पैसा हमें वापस करो। इसी बात को लेकर उसने शिकायत की थी कि सूदखोरों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जो उसकी शिकायत पर नवीन भरानी, अनिल नागवानी और रेखा असरानी 3 लोगों के विरुद्ध सूदखोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। अच्छा, आरोपी की गिरफ्तारी वगैरह? आरोपियों की तलाश की जाकर गिरफ्तारी की जाएगी, तलाश जारी है। सर, ये महिला कौन है और कहाँ की निवासी है? प्रेमनगर के पास की रहने वाली है, एक उसकी पड़ोसन है आरोपी और 2 राइट टाउन और विजयनगर के रहने वाले हैं। ये महिला का नाम क्या है सर? महिला का नाम श्रिया मनवानी। आपका तो नाम कोमल सिंह, उपनिरीक्षक थाना। अभी लेन देन उन्होंने बताया है, किसी से 1.5 लाख का है, किसी से 3 लाख का, किसी से 5 लाख से 20 लाख तक का है। कोमल सिंह, उपनिरीक्षक थाना गढ़। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।